चलिए चलिए अगला सवाल लेते हैं। अरुण कुमार जी हैं दिल्ली से हमारे साथ। अरुण जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर जी, मेरे पास दीपक नाइट्रेट के 10 शेयर हैं 1830 के। दीपक नाइट्रेट कब से होल्ड कर रहे हैं? अगस्त से है मेरे पास दोनों ही। ओके गावा सर बताइए दीपक नाइट्राइट। देखिए बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर दीपक नाइट का पॉजिटिव है, करेक्शन आ सकता है, लोअर लेवल में सपोर्ट फिर मिल सकते हैं, 1900 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, बट नथिंग टू वरी। आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, अच्छी कंपनी है, आपको ऐड करना है जो तो डिप्स में ऐड कर दीजिए, दैट्स नथिंग टू वरी। मेरे ख्याल से ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए लाए। चलिए अब थोड़ा सवाल इधर सोशल मीडिया वाले लिए जाने चाहिए। गाबा सर, मन्नापुरम फाइनेंस का सवाल आया है और 117.50 रुपये पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है, फ्यूचर्स में 4.5% ऊपर है, ये अटक गया है शेयर। दिखाइए 2-3 महीने का चार्ट दिखाई, ये इसी रेंज में आके फंसा रहता है, 100 तक जाता है फिर ऊपर आता है फिर नीचे आता फिर ऊपर आता है, तो एक ये ट्रेडिंग रेंज बन गई इसकी, इसके बीच में प्ले करना चाहिए या इसमें कुछ दमखम है ये जाएगा ऊपर? मेरे को लगता है जाएगा मना ऊपर, 110 पे ब्रेकआउट मिला है मन्नापुरम फाइनेंस, और ये कभी कभी बॉटमिंग आउट होते होते वक्त लगता है, ये वक्त गुजार रहा है, लेकिन लगता है बॉटमिंग आउट हो चुका है, प्रोसेस शुरू है, बायस पॉजिटिव है मन्नापुरम फाइनेंस का। जो प्रोसेस बना हुआ है रिवर्सल पैटर्न कहते हैं, हेड एंड शोल्डर रिवर्सल पैटर्न, और कभी कभी बनते वक्त लगता है, इसको एक कंफर्मेशन की जरूरत है, वो कंफर्मेशन मिलेगा तब जब ये पार कर लेगा 125 पार कर लेगा तो कंफर्मेशन बताएगा कि यस मैं बॉटम आउट हो चुका हूं, फिर उसका जाके टारगेट करीब 170-180 होगा, लेकिन उसे वक्त लगेगा। तो मेरे ख्याल से अगर किसी लॉस कोई लॉस में बैठा है इसमें तो होल्ड कीजिए, ये बेचने का समय नहीं है या ये होल्ड करने का समय है। आपको लगेगा मेरी कॉस्ट मिल गया चलो निकलो, बस वही नहीं करना, यू हैव टू फाइट दैट एंड कंटिन्यू होल्डिंग इट, पेशेंस रखिए, 160-180 एक जोन है वहां तक जा सकते। ओके गाबा सर, एस्ट्रा माइक्रो इसमें देखिए अच्छी तेजी बन रही है, अभी थोड़ी देर पहले इसमें अच्छी खासी मोमेंटम आ गई है, क्या और तेजी का मूड है इसमें? जी ऐसा लगता है मुझे। देखिए एस्ट्रा माइक्रो का जो इंट्राडे चार्ट है बढ़िया है, डेली चार्ट भी अच्छा है, इसमें भी एक नीचे आया फिर नीचे आना थम गया, थक गया नीचे आना फिर एक अप, ये तो डिफेंस प्ले है एस्ट्रा माइक्रो। मेरे ख्याल से देने की जगह भी अच्छी है, 260 में स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, अप मूव मिलना चाहिए, 300 की तरफ जा सकता है, मुझे लगता है एस्ट्रा माइक्रो इज द बाय, स्टॉप लगाइए 265 का, डीप है, क्वांटिटी कम कर दीजिए, लेकिन अप ना चाहिए, 300-320 भी पॉसिबल है एस्ट्रा माइक्रो, 300-320 भी जा सकता है एस्ट्रा माइक्रो, आज 7% ऊपर है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।